मैं अरुण कुमार पांडे बोल रहा हूँ, और बिहार की जो अभी राजनीति है उसमें अभी खासकर बिहार भाजपा में पूर्व मंत्री सम्राट चौधरी जो विधान परिषद में विपक्ष के नेता थे उन्हें प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया है, और उनकी नई कार्यकारिणी 4 महीने के उनके अध्यक्ष बनने के बाद बनाई गई है। 18 लोगों की कमेटी में 17 अपर कास्ट के लोग हैं और 18 पिछड़े अति पिछड़ी जाति के लोग हैं। इस राज्य कमेटी के गठन के बाद खासकर बिहार में जो अभी हर दलों के लिए जाति की राजनीति और वोट इसी के सहारे होता है, कैंडिडेट उसी के सहारे दिए जाते हैं, तो बिहार में जो पिछले 30 साल से लालू राबड़ी और नीतीश कुमार की राजनीति रही है, अब खासकर पिछले महीने के अगस्त में जब से नीतीश कुमार ने भाजपा से नाता तोड़ा, तब से नीतीश कुमार के प्रति भाजपा का जो रवैया है कि अब उन्हें राजनीतिक हाशिए पर लाना है, और उसी उद्देश्य से सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं। और इस नई कमेटी में खासकर यादव जाति जो बिहार में मानी जाती है कि पिछड़ों में सबसे अधिक आबादी वाली जाति है, 15 से 16% आबादी है, और प्रदेश कमेटी बनी है उसमें मात्र एक पदाधिकारी बनाए गए हैं जो कभी छात्र राजद के से जुड़े थे, स्वदेश जो मधेपुरा के रहने वाले हैं। इसको लेकर पार्टी में जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो संघ से जुड़े हैं, विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हैं, छात्र विद्यार्थी परिषद से जुड़ों में घोर नाराजगी है, और एक समझ बनी है कि लालू यादव से राजनीतिक मुकाबला के लिए खासकर जो अभी प्रदेश भाजपा की कमेटी बनी है उसमें यादवों को हाशिए पर रखा गया है। ये यादवों की उपेक्षा से क्या बिहार भाजपा की राजनीति चमकेगी, बिहार में भाजपा को सत्ता में आने की मुरीद पूरी होगी? इन्हीं चंद सवालों के साथ कई ऐसे मुद्दे उठे हैं भाजपा के नेताओं में जो संघ से जुड़े हैं वो लोग में नाराज़गी है। राजधानी पटना में ही कई ऐसे समर्पित कर जिसको मैं कभी 3 दशक से भी जानता हूं, अब पटना में जैसे एक अजय यादव हैं जिनको मैं बड़ी भांति जानता हूं, 30 साल से इसी कंकड़बाग इलाके में वो 30 साल से एक्टिव हैं, चाहे वो सुशील मोदी के साथ हों, नंदकिशोर यादव के साथ हों, दानापुर में अरुण यादव, सिटी में नंदकिशोर यादव तो जब से प्रदेश अध्यक्ष बने तो अकेले एक छत्र नेता थे। आज बिहार में मैं मानता हूं कि नित्यानंद राय एक सबसे बड़े यादव के चेहरे हैं, और जब खास करके केंद्रीय मंत्री यादव जी जब यहां प्रभारी थे उस समय 21 यादवों को टिकट दिया गया था, उसमें 7 विधायक यादव जात से जीत कर आए हैं। लेकिन अब लगता है कि बीजेपी का जो लक्ष्य है वो नीतीश कुमार को भेदने के लिए, नीतीश कुमार को घेरने के लिए वो लवकुश समीकरण पर ज़्यादा ध्यान है, तो इसीलिए कुशवाहा जाति से सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाया गया है, और सम्राट चौधरी ने पूरे प्रदेश में जो जिला से लेकर प्रदेश संगठन बनाया है उसमें कुशवाहा जाति को तरजीह दी है, और जो 42 भाजपा के जिला संगठन हैं उसमें मात्र 2 किशनगंज और मधेपुरा के जो जिला अध्यक्ष हैं वो यादव जाति के हैं। तो इतनी बड़ी आबादी के साथ ही उपेक्षा कहीं ना कहीं, अब 2 बैठकें हुई हैं, गुप्त बैठकें यहाँ बिहार में जो भाजपा से जुड़े जो यादव नेता हैं उनकी बैठक भी यहाँ अभी हुई है एक होटल में, और आज ही मैं कई लोगों ने बात ऐसी चल रही थी तो उन लोगों ने कहा कि इस तरह से यदि भाजपा का रवैया होगा तो सम्राट चौधरी को बिहार में सम्राट बनने का सपना कैसे पूरा होगा, एक इतनी बड़ी जाति की उपेक्षा करके कोई भाजपा कैसे आगे बढ़ सकती है। और ठीक जिस तरह से भाजपा ने मान लिया है कि यादव और मुस्लिम उसके खाते में आने वाले वोट नहीं हैं तो मुसलमानों के प्रति तो एक रवैया समझ में आता है, लेकिन बिहार में बीजेपी के प्रति ये रवैया कहीं किसी को खास राजनीति समझने वाले लोगों के लिए ये उन्हें गले नहीं उतर रही है। देखिए बिहार में मैं मानता हूँ कि यादव के प्रति किसी दल विशेष का, अब जब से लालू यादव राबड़ी देवी का शासन का अंत हुआ बिहार में और नीतीश कुमार जब से आए तो यादव तो ऐसे ही कॉर्नर रहे राजनीतिक रूप से, और लालू यादव का राजनीतिक प्रभाव को भेदने के लिए, कम करने के लिए ही मैं मानता हूं कि बिहार में नीतीश कुमार ने जो बालू की नीति लाई, शराब की नीति लाई, इसके पीछे भी ध्येय यही था कि लालू यादव से जो जुड़े लोग हैं प्रखंड स्तर तक उसमें कोई शराब के धंधे में, बालू के धंधे में और अन्य तरह के ठेकेदारी के धंधे में उनके साइड करने के लिए नीति लाई गई थी। तो एक जाति विशेष को दरकिनार करके और उसको अलग थलग करके कोई यदि पार्टी ये सोचे कि हम एक अपनी जगह बनाएंगे तो मुझे लगता है कि एक सबका साथ सबके विकास का जो एक सपना है वो उसके ठीक विपरीत ये आचरण माना जाएगा। देखिए बिहार में जो अभी खासकर राम मदन राय हैं अभी एक अति पिछड़ा समाज से, उन्होंने एक संगठन बनाया है कर्पूरी जनता दल,
तो मुझे लगता है कि अब बिहार की जो राजनीति है, अब अगड़े पिछड़ों की राजनीति नहीं है, अब पिछड़े बनाम पिछड़े और पिछड़े बनाम अति पिछड़े की राजनीति है। मैं मानता हूँ 30 से 32% अति पिछड़ों की आबादी है, और जो कुल 214 जातियाँ हैं उसमें अभी जो जातीय जनगणना हो रही है, इसके बाद तो फिर ये पूरे बिहार की राजनीति में एक बार जदयू और राजद के लिए ही चुनावी हथकंडा होगा। भले ही नीतीश कुमार कहें कि वो जो पिछड़े और दलित जाति हैं या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके उत्थान के लिए हम ये कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे इस चुनावी साल में जो लोकसभा का चुनाव होना है और फिर अगले साल 2025 का चुनाव होना होगा, उसमें इसी जातीय जनगणना को भरसक भुनाने की कोशिश होगी। इसके आधार पर आरक्षण बढ़ाने की मांग होगी, विशेष योजना चलाने की मांग होगी, केंद्र सरकार पर एक दबाव होगा। तो मुझे लगता है एक जाति विशेष को अलग थलग करके कोई भी दल, मैं मानता हूँ कि इस सोच से आगे नहीं बढ़ सकती है। देखिए, बिहार विधानसभा के पिछले चुनाव में आपको याद होगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी ने नित्यानंद राय को आगे बढ़ाया था, और उस समय भूपेंद्र यादव बिहार के प्रभारी थे, और ये समझ के कि बीजेपी से भाजपा से यादव समाज जुड़े, इसके लिए 21 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट दिए गए थे, बीजेपी ने दिया था, उसमें 7 विधायक जीत कराए। लोकसभा के चुनाव में तो 17 सीटें मिली बीजेपी को, और सभी सीटों पर कामयाबी मिली, उसमें 3 यादव, रामकृपाल यादव, नित्यानंद राय और अशोक यादव जीते थे। तो अब नेता तो अभी बिहार में यादवों के सबसे बड़े नेता बीजेपी के लिए जो चेहरा हैं वो नित्यानंद राय हैं, लेकिन अब नित्यानंद राय की जगह सम्राट चौधरी को बढ़ाने का जब काम हुआ है, तो अब सिर्फ वो आप कहिए कि चेहरा भर हैं, लेकिन उस चेहरा के भरोसे तो बीजेपी मान ली है कि हम सत्ता में लालू प्रसाद का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। देखिए, बीजेपी मुझे लगता है कि जो अभी रीति नीति पर चल रही है उसमें खासकर यादव जाति को अलग थर थलग करके उपेक्षा करके बात नहीं बनेगी। बिहार में विधानसभा की 40 ऐसे सीटें हैं जो यादव बहुल हैं, उसको ध्यान में रखकर यादवों को भी जोड़ने के लिए उन्हें टिकट देने होंगे, और संगठन में भी उन्हें जगह देने की बात होनी चाहिए। अभी तो मूल दल का अभी गठन हुआ है, अभी मंच मोर्चा का गठन भी बाकी है। तो कुल मिलाजुल कर मुझे लगता है कि भाजपा जो एक जाति को अलग करके यदि चलेगी, तो इससे मुझे लगता है कि सत्ता में वापसी उस हद तक कठिन होगा। अभी जो बात मैंने बिहार में खास बिहार की राजनीति और यादव समाज की राजनीति जो बीजेपी के नज़रिए से मैंने चर्चा की है, इस पर आपकी क्या राय है, आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मैंने पहली बार विस्तार से बिहार की राजनीति, भाजपा की राजनीति और यादव जो अभी बिहार में एक शासक दल रहा है पिछले 15 साल तक लालू राबड़ी देवी के शासनकाल में, और उसके प्रति जो बीजेपी का रवैया है जो सत्ता में आना चाहती है, तो मेरा जो आकलन है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मुझे लगता है कि आप अपनी राय देकर हमें सहयोग दें।